हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नी डिफॉर्मिटी के बारे में, जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बोनी सिंड्रोम, नोकनी सिंड्रोम, जो कि बाय बर्थ डिफॉर्मिटी होती है, या प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस की वजह से, या कुछ मसल्स टाइटनेस की वजह से जो डिफॉर्मिटी हमारे नी के अंदर, हमारे घुटने के अंदर क्रिएट हो जाती हैं, और उनका असर किसी भी पोजीशन से पड़ता है। पोजीशन मींस आपका खड़े होना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका लेटना। आप हैरान होंगे कि लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्या ये भी किसी डिफॉर्मिटी को बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा कॉज बन सकती हैं उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, जो इतने एफर्ट्स एक पेशेंट लगाता है, एक डॉक्टर लगाता है अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए। महीनों लग जाते हैं किसी भी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, और कई बार 100% तो इतने एफर्ट्स के बाद कोई डिफॉर्मिटी जल्दी से करेक्ट 100% होती भी नहीं है। तो उसके लिए हम कोई भी कसर बाकी ना छोड़ें, कहीं से भी हमारी कोई भी मिस्टेक ना रह जाए उस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए। ऐसी मैंने इस वीडियो में काफ़ी कोशिश की है, इसलिए पूरा रिजल्ट पाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखती रहिए। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि अगर कई बार आपकी एक्सरसाइजेज, आपके एफर्ट्स उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जितना कि ऑलरेडी आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपका पैसा भी जा रहा, आपका टाइम भी जा रहा, तो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं, ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो उन डिफॉर्मिटी को एक्सरसाइजेस करने के बावजूद भी कई बार 100% रिजल्ट हमें नहीं देती हैं। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम और क्या चीज़ कर सकते हैं जो हमें एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और हमारे और तरह के एफर्ट्स, हमारी मेडिसिन, हमारा डॉक्टर के पास विजिट्स, सब फ्रूटफुल हो, कि 13 साल की उम्र तक काफ़ी हद तक हम इन डिफॉर्मिटी को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छी डाइट दे के, अच्छे से उसकी पोजीशंस को ठीक करके, मसल्स को स्ट्रेंथन करके, टाइट मसल्स को रिलीज करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हम पा सकते हैं। तो मेरा जो प्रोसीजर रहता है, 7 to 10 days में हमें रिजल्ट मिलने लग जाता है, हमारी मसल्स रिस्पोंड करने लगती हैं कि वो प्रोग्रेस की तरफ जाना शुरू हो चुकी हैं या नहीं। वैसे 99% मेरे पेशेंट्स में रिजल्ट 7 to 10 days में विजिबल हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट 1 month में 20 to 30% प्रोग्रेस होती है। उसके बाद अगर पेशेंट को मैं जो टाइम देती हूँ, ज़्यादातर वर्स्ट केसेस में लगभग 6 महीने से साल भर तक लग जाता है, मीडियम केसेस में 3 to 6 months का टाइम मैं देती हूँ, और अगर डिफॉर्मिटी जस्ट शुरू हुई है और बहुत पुरानी नहीं है या जेनेटिक नहीं है, तो उन केसेस में तो फर्स्ट 3 months में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, डिफॉर्मिटी के भी जैसे 3 stages होती हैं, अर्ली है, मीडियम है, लेट है। अर्ली मीन्स जस्ट शुरू हुई है, लगभग हमें विजिबल होने लगी है कि हाँ, पैरों में कुछ डिफेक्ट आने लगा है, नोकनी है या बोनी है या हाइपर एक्सटेंशन है, तो उसके पीछे के कॉजेज हमने पता भी लगा लिए हैं। उसके पीछे के कॉजेज कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं, और तो वो हमें बच्चों में ही पहचाननी पड़ेगी। लेकिन कई बार 3 years तक जल्दी से बोनी या नोकनी की प्रॉब्लम को हम बहुत जल्दी हम ट्रीट करने के लिए नहीं चलते, अगर सीवियर नहीं हो तो, क्योंकि 3 years तक डिफॉर्मिटी कई बार अच्छी डाइट देने के साथ साथ अच्छी पोजीशनिंग की वजह से पेशेंट की काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है कंडीशन। बट जब 3 years के बाद भी रिकवरी नहीं आती है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों को 3 years के बाद भी अगर डिफॉर्मिटी आपको विजिबल लगती है, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। आप अपने डॉक्टर से, अपने पेडियाट्रिशियन से दिखाइए, ताकि वो टाइम रहते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा वेस्ट ना हो। और पेशेंट को भी इससे काफ़ी परेशानी होती है, पेशेंट थकता है, कई बच्चे रोने भी लग जाते हैं, कई बच्चे हार मान जाते हैं, कई पेरेंट्स भी हार मान जाते हैं, कई पेरेंट्स को यही नहीं समझ में आता कि हमें किस हद तक
मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ले कहीं अगर रिजल्ट ना मिला तो हमारा पैसा तो बर्बाद नहीं जाएगा। एक्चुअली हर तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उनका ट्रीटमेंट भी होता है। कई बहुत अच्छा रिजल्ट पा जाते हैं पेशेंस रखने के साथ साथ, और कई थोड़ा सा जल्दी क्विट कर देते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीजों के लिए हम और क्या करें, एक्सरसाइजेस के साथ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ हम और क्या कर सकते हैं? ये कोर मसल्स, कुछ बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, हिप मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, उनके भी वीकनेस की वजह से काफी नी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो साइड बाय साइड हमें कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और सिर्फ कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को करके हमने मतलब फ्री नहीं हो जाना है, उसको मेंटेन भी करना है, क्योंकि कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम तक बिना प्रैक्टिस के स्टेबल नहीं होती है। उसको स्टेबल करने के लिए काफी टाइम तक, सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो हैबिट में आती है। तो ये हमारी इन बातों के साथ साथ कुछ पोजीशंस का भी हम ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंग पोजीशन की। लाइंग पोजीशन में कुछ मैं नोक नी के पेशेंट के लिए बताऊंगी कि रात दिन में घंटा डेढ़ घंटा पेशेंट ने एक्सरसाइज की, दिन में एक बार की, दो बार की, और पेशेंट को आफ्टर 7 to 10 days उसको रिजल्ट भी अच्छा मिलने लगा, हिम्मत बढ़ जाती है जब रिजल्ट अच्छा दिखता है। उसके बाद लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर वो रिजल्ट स्टेबल भी होने लगता है, हमें ज्यादा दिखने भी लगता है, वो बार 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 हम उसी कंडीशन पे नहीं जाते, और महीने भर में तो रियली कोई कंडीशन हमारा काफी हौसला बढ़ाती है, जब भी इम्प्रूव होती है तो फिर पेशेंट और भी ज्यादा हिम्मत करते हैं। तो कई बार पेशेंट 3 to 7 days तक हम उस पे लगे रहे, फिर हम थोड़ा सा लापरवाह हो गए, या हमने कई बार सोने में, उठने में, बैठने में, चलने में किसी तरह की कोई कमी छोड़ दी, तो वो उसके जो सक्सेस रेट हैं वो घट जाते हैं, रिकवरी रेट घट जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम नौकनी और बोनी दोनों के लिए कुछ लाइंग पोजीशन की बात करते हैं। हम किस तरह से मतलब लाइंग पोजीशन को ठीक करके, लाइंग पोजीशन में हम किस तरह के से अपने आप को और जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाइट में जो 6 से 8 घंटे की नींद होती है, खासकर बच्चों के लिए 8-9 घंटे की नींद होती है, तो उसमें डिफॉर्मिटी को रिवर्स होने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि मसल्स काफी रिलैक्स हो जाती हैं, काफी रिलैक्स मसल्स अपनी उसी पोजीशन को फिर से लेने की कोशिश करती हैं, खासकर अर्ली ट्रीटमेंट के अर्ली स्टेज पे, जो कि मैंने बताया था 7 to 10 days और फर्स्ट अप टू 1 month। ये है हमारी साइड लाइन पोजीशन। इसमें एक पिलो नेक के नीचे रहेगा, ताकि हाइपर एक्सटेंशन एक तरफ की नेक की इस तरह से ना हो और दूसरी तरफ की नेक की मसल्स की शॉर्टनिंग ना हो। तो ये पिलो इतना ही यूज करना है बच्चे के हिसाब से, बच्चे का पिलो अलग से लेना है, बड़े के हिसाब से बड़े का पिलो लेना हो, और जो पिलो की जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए जितने के आपके शोल्डर की विड्थ है। इससे ज्यादा पिलो लेंगे तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एग्जैक्ट पोजिशन है नेक के लिए पिलो यूज करने की। उसी के साथ हम आते हैं नी के बीच में, हम किस तरह से पिलो को प्लेस करें, या किस तरह से हम कोई भी मतलब ऐसा सपोर्ट रखें जिसकी वजह से जो नोक नी वाली जो कंडीशन बनती है, जो घुटने आपस में पास में आते हैं, अगर हम फ्लोर से पैरेलल देखें तो हिप का ये लेवल बनता है और घुटने का ये इतने ये लेवल बनता है। तो इस लेवल पे नीचे की तरफ मसल्स आने से, जो हमने दिन में मेहनत की थी 1-2 घंटा इस को करेक्ट करने में लगाया था, इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने में लगाया था, और टाइट मसल्स को रिलीज करने के लिए हमने लगाया था, ये तो वापस 6-7 घंटे जब रेस्ट में ये मसल्स चली जाती हैं तो वो मेहनत हमारी सारी खराब हो जाती है। तो उसके लिए इन दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से एक कंफर्टेबल पोजीशन में पिलो लें, कि ये पिलो प्लेस करने के बाद हिप और नी का लेवल दोनों लगभग लगभग बराबर हो गए हैं,
और आप अपने टखने के बीच में भी इस तरह से पिल्लो को प्लेस करेंगे तो टखना भी बहुत हद तक नीचे नहीं जाएगा, इस तरह से नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर इस तरह से इस पोजीशन में रहेगा। तो इस पोजीशन में रहने के बाद ओवरनाइट अगर ये पोजीशन पेशेंट की मेंटेन रह जाती है तो काफी हद तक जब पेशेंट उठेगा सुबह सो के तो उस टाइम पे काफी कंफर्टेबल फील करेगा और मसल्स को ना तो एक्स्ट्रा टाइट पाएगा और ना ही ऐसा लगेगा कि उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ चली गई है। कम से कम 8-9 घंटे की नींद बच्चा लेता है, बड़े भी 6-8 घंटे की नींद लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 6-8 घंटे अगर हम गलत पोजीशन को अवॉइड करेंगे तो हमारी मसल्स थकेंगी नहीं, जो टाइटनेस हमने रिलीज की थी वो दोबारा से आएगी नहीं, जो मसल्स की स्ट्रेंथ हमने गेन की थी वो भी मेंटेन रहेगी और हमें बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट, उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाली पोजीशन की करेक्शन थी नॉकनी के लिए। अब हम बोनी के लिए भी किस तरह से पिलो को प्लेस करें। बोनी सिंड्रोम के पेशेंट यहां अपने घुटनों के बीच में बहुत थिक पिलो ना रखें। थिक पिलो अगर रखेंगे तो जो हमने मसल्स को की टाइटनेस को रिलीज किया था एक्सटर्नल मसल्स की और अबडक्टर मसल्स की टाइटनेस को रिलीज किया था, वो फिर से अगर हम थिक पिलो ले लेंगे तो वो वैसे ही मेंटेन रह जाएगा, हमारा जो स्ट्रेचिंग वाला जो तरीका था वो हमारा उतना रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए नोकनी में हमने थिक पिलो यूज करना है और बोनी के लिए हमने बहुत ही पतला सा पिलो यहां यूज करना है। उसके लिए एक्स्ट्रा थिक पिलो एक इस तरह से आप टखनों के बीच में अपने एंकल जॉइंट के बीच में एक और एक्स्ट्रा इस तरह से पिलो रखें। बच्चों का पेरेंट्स को थोड़ा सा नाइट में उठ के ध्यान देना पड़ता है कि कहीं उसने गिरा तो नहीं दिया, बच्चे करवट लेते हैं तो इधर उधर गिर जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, हमें हमारे रिजल्ट घट जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पिलो के बीच में वेलक्रो यूज कर सकते हैं। कुछ रेडीमेड, ये तो हमारा होममेड पिलो है, कुछ रेडीमेड पिलो भी इस तरह के आते हैं। तो रेडीमेड पिलो ऑलरेडी वेलक्रो के साथ होते हैं, वेलक्रो बंदी रहेगी, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इधर उधर ले जाना ज्यादा परेशान भी नहीं करता है, जस्ट वेलक्रो उनके साथ बंधी होती है। तो इस तरह से ऐसे करके वो वेलक्रो यहाँ बंधी रहेगी और पेशेंट इजीली उसको इस तरह से करवट ले सकते हैं। वेलक्रो बनने के साथ साथ अपना इस पोजीशन में बार बार जा सकते हैं। तो अगर कुछ पेशेंट बाहर से खरीद सकते हैं उस पिलो को तो मार्केट में रेडीमेड पिलो यूज करें, वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे, या किसी टेलर के पास होममेड पिलो को भी वेलक्रो लगा के कामयाब किया जा सकता है। ये हमारी थी लाइंग पोजीशन। अब हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन में किस तरह से हम नोकनी और बोनी दोनों डिफॉर्मिटी को हम करेक्ट करें। ज्यादातर बच्चे जो बैठ के पढ़ने वाले होते हैं या बड़े जो एडल्ट लोग होते हैं, ऑफिस गोइंग या चेयर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करना या और दूसरी एक्टिविटीज जो ज्यादातर चेयर पे बैठ के करते हैं, तो उसमें हम उस पोजीशन को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। नोकनी वाली पोजीशन तो ये है, नीचे कोई स्टूल वगैरह रख लेते हैं तो इस तरह से ये नोकनी की पोजीशन बन जाती है, जिसको हम इस तरह से बढ़ावा देते हैं। तो नोकनी में हमें ज्यादातर इस तरह से पेशेंट को बोनी वाली कंडीशन में आना है, जिसके अंदर घुटने ज्यादा से ज्यादा खुले रहें और बार 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 पैर अंदर की तरफ लेकर आने हैं। जो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हुए जिस पोजीशन को हम यूज करते हैं, वही हर आध घंटे के बाद हमने इस तरह की नोकनी के लिए हमने ये वाली पोजीशन अपनानी है सिटिंग पोजीशन में, ताकि हम इस वाली पोजीशन को अवॉइड करके और ये वाली पोजीशन हम मेंटेन कर सके।
ये नौकनी के लिए, अब बोनी में ऑलरेडी इस तरह से ज्यादातर पेशेंट बैठने की कोशिश करते हैं, बोनी में, बोनी के पेशेंट ये पोजीशन उनकी फेवरेट पोजीशन होती है। तो पैर पे पैर चढ़ाकर नहीं बैठना है, पैरों को दूर करना है, ज्यादातर घुटनों को पास में लेके आना है। कहते हैं कि अगर किसी भी काम को 21 दिन तक सिंसियरली कर लिया जाए तो हमें वो चीज याद रहने लग जाती है, हम उसको फिर जल्दी से भूलते नहीं है। तो पेशेंट बोनी सिंड्रोम वाले पेशेंट ये पोजीशन बार बार लेकर आएंगे, जिसके अंदर पैरों को उन्होंने बार बार इस तरह से खोलना है। हर आध घंटे के बाद, जब लंबे 8-10 घंटे की ड्यूटी होती है, लगभग 8 घंटे तो हमें हमारे वर्किंग आवर्स होते ही हैं, बच्चों का पढ़ाई का भी लगभग 6-7 5-6 घंटे लगातार रहता है, और जॉब करने वालों का तो और भी टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हर आधे घंटे के बाद या 45-50-60 मिनट्स के बाद इस पोजीशन को हम ऐसे अंदर लेकर आएंगे। ये है बोनी के लिए, और ये पोजीशन है नोकनी वाले पेशेंट बार बार अपनाएंगे। तो ये थी सिटिंग की। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग में हमें अपने पेट को अंदर खींच कर रखना है, हिप को टाइट रखना है। अगर हम 2 घंटे में इस पोजीशन को हम बार 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 करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो हमारी कोर भी मजबूत रहेगी और हमारी जो घुटने ढीले छूटने वाली या जो साइड में मसल्स हमने स्ट्रेंथन की थी, उन वो वाली पोजीशन भी बार 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 हम ध्यान रख कर स्टैंडिंग में पेट को अंदर, हिप को टाइट, उन घुटने को पीछे ले जाके हम स्टैंडिंग पोजीशन में काफी ध्यान रख सकते हैं अपनी मसल्स का। बोनी सिंड्रोम के पेशेंट भी और नॉकनी सिंड्रोम के पेशेंट भी, दोनों ही कंडीशंस के पेशेंट कोर को स्ट्रेंथन करें, पेट को अंदर खींचे, हिप मसल्स को, ग्लूटियल मसल्स को टाइट करें बार 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 बार। हर आध घंटे में अगर 1-2 मिनट के लिए ये पोजीशन अगर अपना ली जाती है तो काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अब हम बात करते हैं वॉकिंग में। वॉकिंग में हम अपने आप को कैसे उस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस के बाद हम लंबे टाइम तक स्ट्रेंथन की हुई मसल्स का अच्छा रिजल्ट हम कैसे पा सकते हैं, उनको लंबे टाइम तक हम स्ट्रोंग कैसे बनाए रह सकते हैं। एक तो एक्सरसाइजेस का रिपीटेशंस है, दूसरा कोर मसल्स को बार 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 हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, पेट को अंदर करना है, हिप को टाइट करना है। ये वॉकिंग में हम कई बार ग्लूट्स को हम टाइट नहीं रख पाते हैं, लेकिन वॉकिंग पोजीशन में हम पेट को बार बार, पेट मसल्स को हम बार बार अंदर करके, और जो हमारी डिफॉर्मिटी थी, कई बार टिल्ट होते हैं, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, तो उनको हम, उन मसल्स को, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करके, उनको मेंटेन करके, बार 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 लाइन वॉकिंग पोजीशन में हम ध्यान रख के हर आध घंटे के बाद, हर जितनी बार भी हमें ध्यान आता है उसी टाइम हम पेट की मसल्स को अंदर की तरफ, बेली बटन को पुल करें, टक करें, मेंटेन करें, और हम सांस अच्छे से लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हमने सांस को रोकना है, सांस को लगातार चालू रखना है, सांस को खींच के नहीं रखना है, लगातार चालू कर रखना है, जैसे कि हमारी इनहेल और एक्सहेल होती है उसको नॉर्मल रखना है, बस बेली बटन को पुल करके रखना है। वॉकिंग पोजिशन में भी यही पोजिशन हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ये 4 तरह की पोजीशंस हमने लाइंग में बात करी, सिटिंग में बात करी, स्टैंडिंग में बात करी, वॉकिंग में बात करी, तो ये चारों पोजीशंस में हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना के, छोटी छोटी प्रिकॉशंस के साथ हम अपनी डिफॉर्मिटी को बहुत अच्छे ढंग से, कम एफर्ट में, कम टाइम देकर लंबे टाइम तक मसल्स को स्ट्रोंग रख सकते हैं। और लंबे टाइम तक अगर हमने 3 से 6 महीने भी इन मसल्स के ऊपर काम किया, 3 से 6 महीने के बाद अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम उसके साथ हम साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं, और कॉजेज को भी हम साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो हम काफी हद तक
अपनी प्रॉब्लम को ठीक रख सकते हैं, शायद हम लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम को ठीक रख सकते हैं अगर हम बचपन में ही उस प्रॉब्लम को 12 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक भी अगर हम उस कंडीशन को शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो। उसके बाद रही टीनेज बच्चों की बात, टीनेज बच्चों में भी ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं मिलता, पर एक तो महीने एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर टीनेज के बाद आते हैं मिडल एज, मिडल एज में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलता, हालांकि बोन हार्ड हो जाती हैं, उतना अच्छा रिजल्ट उतना जल्दी नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। जहां आप बचपन में 3 महीने लगे थे, वहां थोड़ा सा मिडल एज में आपको लगभग साल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट ही ना मिले, रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए मसल्स को। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइजेस से आपकी डिफॉर्मिटी ही करेक्ट होगी, एक्सरसाइजेस से आपकी हार्ट की मसल्स, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स, आपकी होल बॉडी मसल्स स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं, जो आपकी लाइफ को भी लंबा बनाएंगी, आपकी लाइफ को इजी बनाएंगी, आपको दूसरी बीमारियों से बचाएंगी और आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। फिर बात आती है एज्ड पीपल की भी, बुजुर्ग लोगों में भी जो कि लगभग 60-65 साल के आसपास के हैं, उन लोगों को अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करना होता है। लगभग लगभग हफ्ते में 5 डेज तो उनको एक्सरसाइजेस करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके अपनी डिफॉर्मिटी को और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कई बार बोनी की, नोकनी की और दूसरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव होती हैं ओल्ड एज में, उनको हम वहीं के वहीं मसल्स को स्ट्रेंथन करके उसी कंडीशन पे स्टॉप कर सकते हैं और पेन फ्री लाइफ हम अच्छे से इजीली जी सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इसके लिए एफर्ट कीजिए, एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को स्मूथ और इजी बनाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आगे के वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें हमारे, इसलिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबरहुड में, अपने फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।